कितना अर्सा रही डिप्रेशन में एंगजाइटी में क्या क्या रहा? बस फिर तो जब ये खत्म हुआ उसके बाद में बाहर निकल आई हूँ बट अभी एक दुख है एक तकलीफ है जो मेरे साथ ही है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सिक्स मंथ से माइक नहीं पकड़ा ठीक है जो इतने सालों से अपनी सीवियाँ चैनल्स में ले लेके फिर रही थी इतने सालों से मेहनत कर रही थी इतने सालों से मिलियंस की व्यूअरशिप लेने वाली कि एक वीडियो लगाती थी छः छः मिलियन पे जाती थी उस बंदी ने माइक नहीं पकड़ा जिस बंदी को कहा जाता था कि आपके सवाल जो हैं वो एक बार हिला देते हैं उस बंदी ने माइक नहीं पकड़ा ये रिग्लेक्ट ये एक तकलीफ स्टिल है तो जो आप ये शुरू करें क्या, है? आप क्या भाई मुझे? मैं निकल मगर मुझे चैनल नहीं रखता ना क्या करूँ वो कहते हैं आप पार्टी की हैं भाई अब मैं में क्या करूं? मगर मैं ये बात है कि माइक पकड़ने के बाद आपका न्यूट्रल सा होता है मामला आ, सवाल आपके इस तरह के होते हैं कि वो आपको जवाब अगले इतनी बड़ी वो तो नहीं है प्रोग्राम बस वक्त पार्टी का हिस्सा हजारों सफारिश ऐसी हर सफारिश पे तब निकले अह गंदी आदत है कभी सिफारिश की नहीं की नहीं क्या अच्छा हाँ। बिल्कुल नहीं क्या अच्छा मुझे ये बताइएगा कि व्हाट नेक्स्ट अब पॉलिटिकल क्या जो है वो प्लान है और इस सारे मामले के अंदर नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब मरियम साहिबा हमजा साहब इनमें से किसी ने رابطہ किया कि किससे बात हुई आ... किससे मुलाकात हुई किस ने कंसोल किया इसने किसी से भी नहीं हुई इवन hmm. दो uh, जब ये लाइक uh, like, ये सीट गई है तो मैंने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेरे साथ खड़े थे या जो भी लोग मेरे साथ नहीं खड़े थे उनका शुक्रिया जिन्होंने मुझे सबक दिया और मैं इस सारे किसी नोटेबल की कॉल मैसेज आपको किसी की भी कॉल नहीं आई मैं चाहती थी मैं चाहती थी कि मुझे कोई कॉन्टेक्ट करे मुझे कोई बताए कोई कहे एक हमदर्दी वाले लफ्ज ही बोल दे कि नहीं यार वी आर स्टैंड विद यू बट कोई भी नहीं आया कोई भी नहीं आया डिजाइन करने के लिए आपको बार बार फोर्स किया उसके बाद तो आया ही नहीं ने, ना ने, कोई वो गायब हो गए वजह यही बताया पार्टी के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा हल्ला हल्गुल्ला मच गया है और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो अलग अलग मतलब टीम्स अलग अलग है तो वो आपस में झगड़ रहे हैं कोई है जो रिजाइन देने जा रही है कोई है जो ऑफिस में ब्लॉक करने जा रही है कोई है जो धरने पे जा रही है तो ये सारी सिचुएशन जो है ये कॉल्स पे आती थी कि आप प्लीज रिजाइन कर दें सारी चीजों का एक ही हल है तो वो मैंने रिजाइन किया बैठ पर बैठा किया था मेरा नाम सजेस्ट करने में शजा ख्वाजा थे और उनके साथ मेरे ख्याल से अतावल थे और माइट माइट बी बी कि मुझे जहाँ तक लगता है पार्टी के अंदर जो लोकल वर्कर्स थे उनकी तरफ से भी था बिकॉज मेरा उनके साथ अच्छा हो गया हुआ था इलेक्शन कैंपेन के बीच तो मुझे लगता है कि शायद उनके पास उनके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर था तो सजेशन मेरी ये थी अच्छा मुझे ये बताइए कि आ, ये जब इन, इन इनी, इनी लोगों ने भी नहीं किया आपसे इन्हीं लोगों ने लूट लिया <laughs> ये कह सकते हैं आप मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया और ये मुझे अफसोस रहेगा दुख रहेगा कि शायद वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कांटेक्ट करूँगी बट मेरा बनता ही नहीं है ना बिकॉज मैं कांटेक्ट करूँगी दैट मीन्स आप समझेंगे कि मुझे कोई वो चाहिए गिव एंड टेक चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए ने, आप हमदर्दी के लफ्ज बोल देते हैं आप कुछ भी बोल देते हाँ, हैं मैं यही हाँ, कह रहा था मैं कि चलें नेक्स्ट टाइम देखते हाँ, हैं या जो भी नहीं नहीं तो ओके मुझे आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए हैं आप उनको कंसीडर करें आप उनको सामने लेकर आए आपकी पार्टी के अंदर